आज हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं इट इज रिलेटेड टू द शिन मसल्स। शिन से मुराद टिबिया बोन। टिबिया आपके फोर लेग की बोन है एंड इट इज द सेकंड लार्जेस्ट बोन ऑफ योर बॉडी। आज इस वीडियो में हम शिन सोरनेस, शिन स्प्लिंट या टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें। शिन स्प्लिंट, शिन सोरनेस या टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम ये मोर कॉमन होता है उन अफराद में जो लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग या अनअकस्टम्ड वॉकिंग या अनअकस्टम्ड रनिंग करते हैं। इट इज मोर कॉमन इन एथलीट्स यानी रनर्स में ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है, यानी रनर्स में टिबियल कंपार्टमेंट में मसल्स में तकलीफ महसूस होना ये बहुत कॉमन होता है। इसका सिंपल मैकेनिज्म ये है, ड्यू टू एक्सेसिव एक्टिविटी या मसल्स ओवर यूज की वजह से फ्लूइड जमा हो जाता है इंटीरियर टिबियल कंपार्टमेंट में। फ्लूइड अकुमुलेशन की वजह से टाइट हो जाता है फेशियल कंपार्टमेंट और टाइटनेस कंप्रेशन की तरफ जाती है और कंप्रेशन एज अ रिजल्ट पेशेंट को पेन यानी दर्द महसूस करवाता है। अब इसका इमीडिएट सॉल्यूशन ये होता है एज अ फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू कि पेशेंट को एक्सरसाइज छोड़ देनी चाहिए ऑन अक्रेंस ऑफ पेन यानी दर्द स्टार्ट होते ही या दर्द स्टार्ट होने से पहले ही मरीज को एक्सरसाइज क्विट कर देनी चाहिए। नंबर टू, फ्लूइड जमा होने की वजह से जो टाइट फेशियल कंपार्टमेंट हुआ है या कंप्रेशन की वजह से जो पेन हुई है उस फ्लूइड को सबसाइड करने के लिए आप अपनी टांग को एलिवेट करके सोएं, यानी लेटे हुए आप अपनी टांग को दो तकियों पे रख के सोएं। नंबर थर्ड, आप आइसिंग कर सकते हैं थ्राइस अ डे यानी दिन में तीन दफा 10 से 15 मिनट के लिए।